हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीई ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंगल एंड प्रोटोजोवा डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले फंगल डिजीज़ की बात की जाए तो इसमें एथलीट्स फूट की बात की जाए तो ये ट्राइकोफाइटन नाम के फंगस से फैलता है। उसका ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड फ्लोर एंड मैट्स में चलने से होता है। इसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केबीज की बात की जाए तो ये एकेरस स्केबीज नाम के फंगस से होता है। उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो स्किन में इरिटेशन का होना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिंगवॉर्म की बात की जाए तो ये माइकोस्पोरम ट्राइकोफाइटम नाम के फंगस से होता है। उसका ट्रांसमिशन हीट एंड मॉइस्चर के थ्रू होता है। इसकी वजह से इंटेंस इचिंग यानी कि तीव्र खुजली होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बार्डनेस की बात की जाए तो इसे गंजापन भी कहते हैं। ये टीनिया कैपिटिस नाम के फंगस से होता है और इसकी वजह से हमारे सिर के बाल झड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अस्थमा की बात की जाए तो ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नाम के फंगस से होता है और इसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और चेस्ट पेन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोवा से होने वाली डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम कालाजार की बात की जाए तो ये लिस्मैनिया डोनोवानी नाम के प्रोटोजोवा से होता है और इसका ट्रांसमिशन सैंड फ्लाई के काटने से होता है और इसकी वजह से ऑर्गन्स इनलाज करते हैं। इसमें फीवर होता है, जॉन्डिस होता है और स्किन पिगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लीपिंग सिकनेस की बात की जाए तो ये ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी नाम के प्रोटोजोवा से होता है और इसका ट्रांसमिशन सीसी फ्लाई के काटने से होता है और इसकी वजह से जो इसके लक्षण हैं वो फीवर हो गया, हेडेक हो गया और इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसेंट्री की बात की जाए तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के प्रोटोजोवा से होता है और इसका ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड रॉ फ्रूट एंड फूड एंड ड्रिंक के वजह से होता है। इसके जो लक्षण है वो माइल्ड डायरिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पायरिया की बात की जाए तो ये एंट अमीबा जिंजिवेलिस नाम के प्रोटोजोवा से होता है और इसका ट्रांसमिशन सेक्सुअली एंड कॉन्टैक्ट में आने से होता है और इसके जो लक्षण है कि हमारे टीथ से बाहर पीप का निकलना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। दोस्तों, हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया की बात की जाए तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है और इसका ट्रांसमिशन एनाफ्लीज मच्छर की वजह से होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो इलनेस हो गया, सेकिंग सील्स हो गया, हेडेक हो गया एंड मसल्स एग हो गया। इसकी वजह से एनीमिया और जॉन्डिस भी होते हैं और इसके साथ साथ ये किडनी फेलियर, मेंटल कन्फ्यूजन एंड कोमा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।